आप देख रहे हैं आज तक। होने को तो सियासत किसी भी मुद्दे पर किसी भी चीज पर हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय चिन्हों को लेकर सियासत का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। पहले अशोक स्तंभ और अब राष्ट्र ध्वज हमारा तिरंगा। केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा मुहिम चलाई तो कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इससे दूर हो गया। वहीं केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सवाल खड़े किए हैं। ये पूछा जा रहा है कि संघ ने 52 सालों तक अपने मुख्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराया, क्यों उसने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में तिरंगा नहीं लगाया। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी संघ की राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़ा करने वालों को निशाने पर ले रही है। इन सब के बीच सवाल यही है कि तिरंगा पर यह तनातनी आखिर क्यों है, क्या तिरंगे को सियासत से दूर नहीं रखना चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों पर आज करेंगे हल्ला बोल, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा सियासी संग्राम की वजह बन जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, मगर ये हुआ। और अब तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि देश के एक बड़े संगठन को देशद्रोही बताया जा रहा है। राहुल गांधी कल कर्नाटक में थे, यहीं से उन्होंने वो ट्वीट किया जिसने तिरंगे पर चल रही सियासी तनातनी का तापमान और बढ़ा दिया। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के सभी साथियों से मिलकर खुशी हुई। इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। राहुल गांधी ने नाम लिए बिना आरएसएस पर सवाल खड़ा किया तो बीजेपी ने उसे खास तवज्जो नहीं दी। लोग हमारा विचारधारा स्वीकार किया, इसलिए राहुल गांधी ऐसे तो उनका स्टेटमेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंट देने का जरूरत नहीं है, ऐसे मैं मानता हूँ। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इधर इधर घूमते घूमते कुछ बात करते रहते हैं। आई डोंट नीड टू रिएक्ट ऑन दैट। एट लास्ट जोशी जी ने मान लिया आरएसएस एक पॉलिटिकल संगठन है। अभी तक तो ये लोग बोलते आ रहे थे कल्चरल संगठन है, ये नाटकी अभी मुखटा नीचे गिर गया क्या? दरअसल एक तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर सभी से तिरंगा लगाने का अनुरोध किया है। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सबसे पहले आरएसएस पर निशाना साधा और पूछा कि संघ ने अपनी प्रोफाइल में तिरंगा क्यों नहीं लगाया। प्रधानमंत्री जी एक चीज तो बताइए, सालों तक आपकी मात्र संगठन ने अपने कार्यालय पर झंडा क्यों नहीं फहरने दिया था? अब तो राष्ट्रीय ध्वज है, देश की आजादी है, सबको करना था, करना पड़ेगा, वरना जनता माफ नहीं करेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, सिर्फ इतना बता तिरंगे के प्रति सम्मान है या नहीं, तिरंगे आप लहराएंगे या नहीं। इस विवाद को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर नहीं चाहता था कि तिरंगा देश का राष्ट्रीय ध्वज बने। ऑर्गेनाइजर मैगजीन जो है वो आरएसएस का एक माउथपीस है, उनके इशू है 1947 17 जुलाई को उन्होंने ये कहा था कि इस बात का डिमांड किया था कि देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए। जब आरएसएस का माउथपीस ये कह रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन है, उनको उनसे इंस्पिरेशन मिला, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। इस विवाद पर आरएसएस ने भी अपना पक्ष रखा है। संघ ने कहा ऐसी बातों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरएसएस ने हर घर तिरंगा और आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को पहले ही अपना समर्थन दे दिया है। इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी डीपी में तिरंगा लगाया, लेकिन उस तिरंगे को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने थाम रखा है। वहीं उनकी पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने सांसदों की उस बाइक रैली में हिस्सा नहीं लिया जिसे लाल किले से विजय चौक तक वेंकैया नायडू ने हरी झंडी दिखाई थी। क्या दरकार थी कि उन्हें विशेष आमंत्रण दिया जाए? क्या ये उनका भी एक अधिकार, साथ साथ उनका भी कर्तव्य नहीं हर हिंदुस्तानी को की शान में वो भी जुड़े? विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया था, मेरी ओर से ही पत्र गया था, मेल भी किया था, हमारे यहाँ से फोन भी किए थे, उनको भी सम्मिलित होना चाहिए था क्योंकि ये तिरंगा यात्रा, ये आजादी का अमृत महोत्सव है,
देश का महोत्सव है। तो क्या है सरकारी कार्यक्रम था, मैं भी अभी सरकारी कार्यक्रम में थे जहाँ हमारे सीबीसी ने ओथ टेकिंग किए, राष्ट्रपति भवन से मैं आ रहा हूँ। सरकारी कार्यक्रम कौन नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाया जाए उसमें भी हमें शामिल होना पड़ेगा। कांग्रेस चीन से झंडे आयात करने का मुद्दा भी उठा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष को घेर रही है कि पीएम मोदी से नफरत करते करते कांग्रेस अब आन बान शान के प्रतीक से भी नफरत करने लगेगी। कुल मिलाकर इस तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा की सियासी खींचतान में आजादी का जश्न बेवजह विवादों में घिरता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। क्या इस देश के भीतर तिरंगा किसी एक पार्टी का है? तिरंगा को लेकर आखिर इस तरह की सियासत देश के भीतर सियासतदानों के बीच क्यों छिड़ी हुई है? कई ऐसे सवाल हैं जो आम जनता के मन के बीच में हैं, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद, कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। संजय निरुपम जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। वरिष्ठ पठान जी, स्पोक्स पर्सन AIMIM के, भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव तुली जी, आरएसएस के विचारक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी से शुरुआत करना था, लेकिन राजीव तुली जी आज आपसे ही शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि सीधे सीधे राहुल गांधी ने दो टूक ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। उनकी ओर से जो लिखा गया है, मैं पढ़ते हुए आपके पास सवालों का जवाब देने के लिए आऊंगी। उन्होंने लिखा, इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। निशाना आप लोगों पर है, और डीपी में चूंकि प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं बदली है तिरंगे की, इसको लेकर भी आरएसएस सवालों के घेरे में है विपक्ष के। जवाब दीजिए इस पर आप। धन्यवाद चित्रा जी, मेरा एक काउंटर सवाल है कांग्रेस से। 1947 में देश का विभाजन स्वीकार करके तिरंगे का अपमान किसने किया था? 1948 में तिरंगे की आन बान और शान के लिए जो पहला बलिदान हुआ वो किसका था? आजादी के इतने वर्ष बाद भी जम्मू कश्मीर में दो झंडे फहरते रहे, इसका जो श्रेय है वो किस पार्टी को जाता है? तो इन सब सवालों के जवाब जब आ जाएंगे तो कांग्रेस की तिरंगे के प्रति जो भक्ति है या तिरंगे के प्रति जो कांग्रेस की निष्ठा है वो स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा होता ये सवाल जो सारे हैं राहुल गांधी 15 अगस्त के बाद करते, तो तब तक ये उसके बाद इस पर चर्चा कर लेते। अभी आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगे के साथ राजनीति करना, ये किसी प्रकार से भी किसी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। तिरंगे के साथ राजनीति क्यों हो रही है संजय निरुपम जी? हर घर तिरंगा लग सके, और बीजेपी के ये भी आरोप है तो इधर उधर की ना बात कर ये बता कि तिरंगा फहराएंगे या फिर नहीं। संजय निरुपम जी, संजय जी को दिखाइए, कोई राजनीति नहीं हो रही है। हाँ, तिरंगा और कांग्रेस का जो एक तिरंगा और कांग्रेस का जो भावनात्मक लगाव है उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। 1929 में जब देश गुलाम था, आजाद नहीं था, तब कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में नेहरू जी ने पहली बार तिरंगा फहराया था। बाद में वही तिरंगा देश का राष्ट्रीय ध्वज बनता है, और उसके बाद उस तिरंगे को सलामी देने की एक परंपरा और प्रथा वर्षों तक चलती रही। एक सवाल पूछा जा रहा है जो तथ्य पर आधारित है कि लगभग 52 वर्षों तक आरएसएस अपने मुख्यालय पे तिरंगा क्यों नहीं फहरा पाया। मैं मानता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अपने झंडे होते हैं, कई ट्रेड यूनियन के अपने झंडे होते हैं, वैसे ही आरएसएस का भी अपना झंडा हो सकता है। आरएसएस स्वीकार करे कि साहब मेरा झंडा भगवा है, और भगवा तक ही सीमित है, और इसके बारे में बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य भी हैं जिसमें कहा गया कि तीन रंग का झंडा नहीं होना चाहिए, ये अशुभ होता है। तो बाद में सरदार पटेल उस समय तो उन्होंने डांटा आरएसएस को कि क्या बकवास कर रहे हो आप, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तीन भगवान है, क्या ये अशुभ हो गए। तो इस तरह की बातें आरएसएस की तरफ से तिरंगे को लेकर आती रही हैं, और इन बातों के ऊपर हमेशा चर्चा होती रही है। अब आज क्यों ये संदर्भ निकल के आया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराइए। इस आह्वान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, बिल्कुल ये बहुत अच्छा आह्वान है, इसका स्वागत करते हैं। और साथ में ये भी याद दिला देते हैं कि कांग्रेस के ही एक सांसद थे और उद्योगपति रहे हैं श्री नवीन जिंदल जी,
वो चाहते थे कि उनके घर के ऊपर तिरंगा लहराने का उनको अधिकार मिले, उनके दफ्तर पे तिरंगा लहराने का अधिकार मिले, लेकिन ये अधिकार उनके पास नहीं था। जो भी नेशनल फ्लैग का कोड था उसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में वर्षों की लड़ाई लड़ने के बाद वो फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है कि हाँ हर व्यक्ति अपने घर पे तिरंगा लहरा सकता है। यानी कांग्रेस पार्टी ने यह भूमिका, कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने भूमिका दी तब जब प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया तो हम इसका विरोध कर ही नहीं सकते, नहीं कर कोई भी हिंदुस्तानी इसका विरोध नहीं कर सकता। तब आरएसएस से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई जब बोला गया कि आप अपने अपने एक बार सुन लीजिए, अपने अपने डीपी पे तिरंगा डालिए, तो आरएसएस या उसके जो प्रमुख नेतागण हैं वो अपने डीपी पे अभी तक भगवा क्यों रखे हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है। इसलिए आरएसएस और तिरंगे को लेकर जो उनकी भूमिका है उसके ऊपर नए सिरे से सवाल उठाए जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, बार बार चूंकि आरएसएस को लेकर बीजेपी से सवाल पूछे जा रहा है कि जिससे निकले हैं आप लोग, जिसको लेकर आप लोग प्राउड करते हैं, वहां की डीपी अब तक चेंज क्यों नहीं हुई है? अगर हर घर तिरंगा और सोशल मीडिया पर सभी की डीपी चेंज हो रही है तो फिर वहां पर क्यों नहीं चेंज हो रही है? इसका क्या होगा जवाब आपके पास? देखिए, अभी संजय निरुपम जी ने जो बोला उसमें उनके वक्तव्य में ही बहुत से जवाब निहित है। उन्होंने नवीन जिंदल जी के केस का हवाला दिया, तो नवीन जिंदल जी के केस से पहले यानी 2006 से पहले गैर सरकारी बिल्डिंग के ऊपर तो तिरंगा लहराया नहीं जा सकता था, तो आरएसएस तो सरकारी संस्था नहीं थी, तो यह आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद और निराधार हो जाता है कि साहब 52 साल तक तिरंगा फहरा ही नहीं सकते थे भाई, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कोई अधिकार ही नहीं था, वो आप ही के सांसद हैं जिनके के द्वारा लड़े गए केस के बाद सबको आधार मिला। अब दूसरा मैं कहना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत में तिरंगे के साथ क्या हुआ? आजाद हिंदुस्तान में 1988 से 1998 10 साल ऐसे रहे जब इस देश में श्रीनगर में लाल चौक पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को राज्यपाल झंडा नहीं फहरा सकता था, बताइए साहब। और जब 1992 में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी गए, जिसके यात्रा के संयोजक उस समय युवा नेता के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे, तो गिरफ्तार कर लिया गया कि श्रीनगर में झंडा फहराने नहीं देंगे। अभी 2012-13 की बात है जब अनुराग ठाकुर जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तब सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, अनंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया कि श्रीनगर में झंडा नहीं फहराने देंगे। गजब का आपने झंडे के साथ न्याय किया। और झंडे का वो भी बता देता हूं भाई, नेहरू जी का आपने 1929 का उदाहरण दिया, इसमें भी आपने बहुत अच्छा उत्तर आह्वान कर दिया। दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस में रावी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, यानी कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि 1929 से पहले की लड़ाई पूर्ण स्वराज्य की नहीं थी, आजादी की लड़ाई नहीं थी, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशन प्राप्त करने की, रियायतें प्राप्त करने की लड़ाई थी, आजादी की लड़ाई 17 साल की थी, इसीलिए 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था और संघ के सभी शाखाओं को बाकायदा निर्देश दिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को सब लोग स्वतंत्रता का उत्सव मनाएंगे अपनी अपनी शाखा पे। इसका उल्लेख संघ की पुस्तकों में डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी में है। अब अंत में एक बात कहता हूं, ये 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हुए थे और कांग्रेस ने राज्यों में सरकार बनाई थी, संजय निरुपम जी 21 झंडे के नीचे खड़े होकर शपथ ली थी, यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर शपथ ली थी ना, विधि के द्वारा स्थापित भारत का संविधान तो नहीं था, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी ना, ठीक है। 1941 प्रोविंशियल असेंबली, 1946 प्रोविंशियल असेंबली, और नेहरू जी 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने, अब सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की त्रिवेदी जी अगर उसी इतिहास में जाएंगे तो बहुत, अब आप बताइए उसमें किसकी शपथ ली थी भाई? ये लगता है हम डिबेट पूरा इतिहास मानव किसकी शपथ ली थी, जब इतिहास में राहुल गांधी गए, ठीक है, इतिहास में राहुल गांधी लेके गए तो उस संजय जी एक लाइन में, बस एक लाइन में फिर आप बोलिएगा, इतिहास में राहुल गांधी लेके गए तो मैंने सिर्फ ये बताया कि वो कांग्रेस पार्टी जो 1885 में एलेन ऑक्टोवियम ह्यूम नाम के ब्रिटिश सरकार के सचिव के द्वारा स्थापित हुई, उसने 1937 में पहली बार सत्ता यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए राज्यों में पाई और 1946 में केंद्र की अंतरिम सत्ता पाई और आजादी के बाद तिरंगे को लेकर बार बार इन्होंने बाधा लगाई, आज आकर कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के एक में राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक वो हैं, तो मेरे विचार से इतिहास में झांक के राहुल गांधी जी ने बहुत गलत ढंग से, अब इतिहास में जाएंगे संजय निरुपम जी तो जवाब भी तो इतिहास से ही निकाल कर लेकर आए जाएंगे ना, लेकिन क्या इस विवाद को तक आगे बढ़ाना या तूल दिया जाना जरूरी था? यहाँ तिरंगे की बात पर कम से कम कुछ तो ऐसा हो हिंदुस्तान में जिसमें सत्ता पर पक्ष और विपक्ष की आवाज एक जैसी महसूस की जाए,
तिरंगे पर इस देश में सियासत होगी संजय निरुपम जी? अब ऐसा है चित्रा जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और कोई सियासत नहीं कर रहा है। ऐसा है चित्रा जी, मतलब 2002 में मेरे ख्याल से आया था यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उससे पहले वो 2002 के आसपास था, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, मुझे माफ करिएगा। उससे पहले हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हिंदुस्तान के हर स्कूल में, पार्टियों के दफ्तरों में, ट्रेड यूनियन के दफ्तरों में, दफ्तरों के बाहर तिरंगा लहराने की एक परंपरा थी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराया जाता था झंडा, इसको हम झंडोत्तोलन कहते थे, झंडा वंदन करते थे। लेकिन आरएसएस की शाखाओं के बाहर या आरएसएस के मुख्यालय के बाहर कभी भी तिरंगा का ये झंडा वंदन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास नहीं था तिरंगा में। एक बात ये है, ये इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, ऐतिहासिक तथ्य है, इसको आप इसको इनकार नहीं कर सकते। हाँ, आप कांग्रेस की अलग अलग कहानियों को ला करके अगर आप काउंटर करना चाहते तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर सच का दो चेहरा होता है। अब रही बात पूर्ण स्वराज्य की, इनको साथ क्या किया, समर्थन किया बिल्कुल। तो फिर प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया कि आप साहब अपने अपने डीपी पे तिरंगा लहराइए, तो आरएसएस भी अपने डीपी पे तिरंगा लहराने से क्यों कतरा रहा है? ये एक छोटा सा बड़ा मासूम सा सवाल निकल गया। लेकिन मैं जरा पूर्ण स्वराज के संदर्भ में एक जानकारी देता हूं, पूर्ण स्वराज हो या डोमिनियन रिपब्लिक हो, इस तरह के विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी उस समय जूझ रही थी। गांधी जी स्वयं इस पक्ष में थे कि पूर्ण स्वराज की मांग अभी नहीं करनी चाहिए। खुद मोतीलाल नेहरू जी इस पक्ष में थे कि पूर्ण स्वराज की मांग अभी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन नेहरू जी इतने विजनरी लीडर थे, उन्होंने कहा नहीं, हमारी लड़ाई अब पूर्ण स्वराज की मांग के साथ आगे बढ़नी चाहिए। और वह ऐतिहासिक क्षण है 1929 में जब पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, वो 26 जनवरी का दिन था, उसी के आधार पर हम लोगों ने बाद में रिपब्लिक डे उसी दिन घोषित किया है। इसके बहुत सारे ऐतिहासिक संदर्भ है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। मेरा मुद्दा ये बार बार जो कह रहे हैं बस तिरंगा यात्रा की आप शामिल नहीं, लेकिन कम से कम एक दो लाइनें जो अक्सर हम लोग गुनगुनाते हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। काफी पहले बचपन में ये गाने सुनते आए थे, पता नहीं था कि भविष्य में जाकर तिरंगे को लेकर इस तरह की सियासत इस देश में जन्म लेगी, जब तिरंगा लगाने में भी कुछ लोगों को शर्मिंदगी महसूस होगी और कुछ लोग इस पर भी सियासत करते हुए नजर आएंगे। ये सबके लिए ही है, किसी एक पक्ष के लिए नहीं है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, अगर डीपी सब लोग चेंज कर रहे हैं तो फिर अब सवाल तो पूछे जाएंगे ना आपसे कि आरएसएस पर फिर भगवा झंडा क्यों लगा हुआ है, वहां की डीपी क्यों नहीं बदली जा रही है? वारिस पठान साहब मुस्कुरा रहे हैं इस सवाल पर। आपने बिल्कुल वाजिब बात किया है, भिन्न भिन्न संस्थान डीपी चेंज कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने डीपी में क्या किया है? सिर्फ झंडा लगाया है कि नेता की फोटो भी लगाई है? और किस नेता की फोटो लगाई है? कहते तो हैं गांधी जी के उत्तराधिकारी हैं, सबके नाम में गांधी लगा है, मगर फोटो पे नेहरू जी की फोटो लगी है। और वो नेहरू जी वो महान नेता हैं, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, बात मानते हैं, पर वो देश के पहले प्रधानमंत्री एक और मायने में थे, जिन्होंने अपने द्वारा गठित अपनी कमेटी की अध्यक्षता में अपने को भारत रत्न अर्पित कर दिया था। ऐसा गजब का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया था कि मैं ही भारत का सबसे बड़ा सम्मान अपने को आत्मार्पित करता हूं। तो आपने, अगर आप ईमानदार थे तो केवल झंडा लगाते, किसी नेता की क्या जरूरत है? देश के पहले राष्ट्रपति ने उनका नाम आगे किया था ना सुधांशु जी, अब मतलब खुद ही से अच्छा, अपना नाम तो उन्होंने आगे बढ़ा नहीं लिया था। बहुत अच्छा सवाल है चित्रा जी। ठीक ठीक है सर, उनकी बात पूरी हो जाए सुधांशु जी, चित्रा जी उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। बिल्कुल आपने अच्छी बात, मेरे ख्याल से हो गई उनके। मैं उदाहरण देना चाहता हूं जी, यदि वो सही थे तो जिस कार्य की अध्यक्षता वो स्वयं कर रहे थे, हाँ, उन्हें नैतिक आधार पर कहना चाहिए था कि मैं अपनी अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा नहीं कर सकता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी 13 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, यह निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुआ, वो स्वयं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे, परंतु उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में वो नहीं आए, वो नहीं उपस्थित हुए, वो पार्टी कार्यालय में दूसरे जगह पे बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह नैतिक प्रश्न है। राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कहा नैतिकता का प्रश्न है कि जहां पर मेरे नाम पे विचार होगा वहां पर उस मीटिंग की निर्णय की प्रक्रिया का मैं भागीदार नहीं रहूंगा, यहां पर निर्णय की प्रक्रिया के जो अध्यक्ष थे, तो दूसरे ने कहा भाई राष्ट्रपति तो होता नहीं है उसमें, बाहर वाले ने कहा, तो मैंने अपनी अध्यक्षता में अपने कर लिया। इसलिए ये बातें बहुत तथ्यात्मक है, और जब आप नीचे जाएंगे तो बहुत सी बातें उभर के सामने आती है।
ठीक है संजय निरुपम जी, ठीक है आप उनके सवालों पर जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक और इतिहास का एक उदाहरण देते हुए, चूंकि आप भी बहुत सारी बातें गिना रहे थे आरएसएस के संदर्भ में कि तीन रंग को लेकर आरएसएस की ओर से सवाल खड़ा किया गया था। हमारा पहला झंडा जब बना था तो वो तो दो रंगों में था, नीचे लाल था ऊपर हरा था, बाद में उसमें तब्दीली की गई, तीन रंग लाए गए, पहले चरखा था बाद में अशोक चक्र जोड़ा गया, तो समय के साथ तब्दीली भी तो हुई है, तो इसको लेकर सिर्फ आरएसएस को ही कटघरे में क्यों खड़ा करना संजय निरुपम जी? और आरएसएस हर घर तिरंगा का अगर समर्थन कर रहा है तो बार बार आप लोगों की सुई जो है वो डीपी पर ही क्यों अटकी हुई है? हमारी सुई डीपी पे नहीं अटकी है, ये प्रधानमंत्री जी बीच में डीपी लेके आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, देश के प्रधानमंत्री है भाई, और अभी जैसा कि त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी नेहरू जी से भी महान थे, तो ठीक है साहब आपको मुबारक हो, मोदी जी महान थे और नेहरू जी से भी ज्यादा महान थे, आपकी समझ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, कोई इस पर कोई एतराज नहीं करता हूं, मुबारक हो आपको। लेकिन बड़ा विषय क्या है, आप बार बार सवाल नेहरू जी का फोटो क्यों डाल रहे तिरंगे के साथ? क्योंकि नेहरू जी पहले नेता थे इस देश के जिसने तिरंगा लहराया था। नेहरू जी और तिरंगा का रिश्ता और उसकी आधार पर कांग्रेस और तिरंगे का जो रिश्ता है वो इतना घना, इतना गहरा और इतना भावनात्मक है, उस बात को याद दिलाया जा रहा है। हमारे कांग्रेस के पूर्वज तिरंगा लहराते थे, क्या आपके किसी पूर्वज ने तिरंगा लहराया? क्या ऐसा कोई फोटो सब आपके पास उपलब्ध है? क्या ऐसा कोई फोटो है तो किसी किताब में, किसी मैगजीन में, या फिर कहीं पर किसी डीपी में, या कहीं सोशल मीडिया पे? आप भी साहब डाल के मुस्कुरा रहे हैं सुधांशु जी, आज आप तिरंगा से प्रेम दिखा रहे हैं, और उसके बाद कांग्रेस का जो एक शाश्वत प्रेम रहा है तिरंगे के प्रति, उसके ऊपर सवाल खड़ा करने का एक घृणित काम कर रहे हैं, उससे पलट करके हम आपसे जवाब पूछ रहे हैं कि साहब कांग्रेस और तिरंगा के रिश्ते पे सवाल मत उठाइए, आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी उठाते हैं तो आप बताइए आपका क्या रिश्ता रहा है, आपका कोई ऐतिहासिक संदर्भ, ऐतिहासिक बॉन्डिंग है क्या? वर्तमान में भी तो कुछ जवाब दे दीजिए संजय निरुपम जी, ठीक है सुधांशु जी, मैं आपसे वारिस पठान साहब भी और बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम इतना इतिहास की झरोखे में जा रहे हैं, सर वर्तमान में भी तो रह लें, आज की तारीख में अगर 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं उस पर आजादी का जश्न एक साथ क्या आप लोग नहीं मना सकते? क्या ऐसी तस्वीर नहीं देखनी चाहिए थी कि बाइक यात्रा अगर वहां पर जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति अगर वो झंडा दिखा रहे हैं उस बाइक रैली को, तो वहां पर विपक्ष के नेता जाएं? मैं इसका संस्कृति मंत्रालय का वो कार्यक्रम था, किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन उसको लेकर भी सियासत जारी रहेगी। मैं इसका जवाब देना चाह रहा था, मुझे वक्त नहीं मिला, बिल्कुल देता हूं। देखिए क्या होता है इस देश में, कुछ कार्यक्रम सरकारी होते हैं, कुछ कार्यक्रम राष्ट्रीय होते हैं, जैसे 15 अगस्त का आयोजन है, 26 जनवरी का आयोजन है, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है, मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण, ये सब देश के कार्यक्रम और इसमें विपक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई सरकार या पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई तिरंगा यात्रा निकालना चाहती है, बिल्कुल निकाले, लेकिन कहीं से भी विपक्ष के ऊपर बाध्यता नहीं होती कि उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ये तो बीजेपी के लोग स्पिन देते हैं और आप लोग उस स्पिन का शिकार हो जाते हैं, तो कृपया करके आप भी उस स्पिन का शिकार मत होइए और बीजेपी को पलट के जवाब दीजिए। सर आजकल ना कांग्रेस का कोई भी नेता है और वो मीडिया पर सवाल खड़े नहीं करे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसमें इस ट्रैप में नहीं फंसते हुए मैं सीधे वारिस पठान जी आपके पास जाते हुए, आपके पास भी तो मौका था ना, वैसे ही साहब पहुंचते अपनी बाइक बुलेट लेकर वहां पर तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, आपको आमंत्रित किया जाएगा, आप नहीं जाएंगे और फिर पलटकर आप सवाल पूछेंगे, आपने क्या किया? आपसे भी तो पूछा जाएगा ना कि देश अगर जश्न मना रहा है इस जश्न आजादी का, तो उसमें फिर भौहें इतनी क्यों तनी हुई है तिरंगे के मुद्दे पर वारिस पठान साहब? ये तिरंगे का चित्रा जी कोई मुद्दा ना कोई बना सकता है, ना उस पर कोई डिबेट कर सकता है, ना उस पर कोई सियासत कर सकता है। तिरंगा हमारी आन बान शान, हमारा अभिमान और हमारी पहचान है जी। हम तो 75 वर्षों से तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ, मान के साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी को लहराते हैं, और मुझे यकीन है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी शान बान आन के साथ तिरंगे का सम्मान करेगी, लहराएगी। मगर सवाल यहाँ पे दूसरा आ रहा है, हमने तो तिरंगे का सम्मान किया, मगर आरएसएस जो बीजेपी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मोदी जी ने कहा हमारा आरएसएस सब कुछ है, तो 52 वर्षों से आरएसएस ने तिरंगे का अपमान क्यों किया? 17 जुलाई 1947 अरे आपकी डीपी बदली की नहीं बदली, पहले मेन मुद्दे पर आइए, अब आरएसएस ने क्या किया मैं पूछ लूंगी राजीव जी से, आपने अपनी डीपी बदली या नहीं बदली? उधर कांग्रेस पार्टी ने तो चले नेहरू जी के साथ ही कम से कम तिरंगा लगा दिया है, आपने बदली या नहीं बदली? चित्रा जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखिए मेरे डीपी बदलने से क्या होगा, तिरंगा तो मेरे सीने के ऊपर छपा हुआ है,
मुझे तो तिरंगे से जितना प्यार है शायद किसी पैनलिस्ट को होगा, मैं तो इतना मोहब्बत करता हूं मेरे देश से और तिरंगे से। मगर यहां पर सवाल यह है ना कि जब मोदी जी कहते हैं कि डीपी बदलो तो 4:06:20 हो गया, मोहन भगवत जी ने अब तक डीपी क्यों नहीं बदला? तू इधर उधर की बात ना कर सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बता मोहन भगवत ने डीपी क्यों नहीं बदला? और कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है, तो हम यही सवाल करना चाहते हैं कि बताओ आपके अगर ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने ये लिखा है सामने है वारिस प्रधान साहब हरे रंग के गमछे के साथ, उसमें भी तो आपके मुखिया की तस्वीर लगी हुई है ना, तो कहाँ है तिरंगा आपका? उसमें तो असदुद्दीन साहब नजर आ रहे हैं। मेरा तिरंगा मेरे दिल पे छपा हुआ है, मैं भाजपा की तरह सियासत नहीं करता तिरंगे के लिए भी। मैंने तो कहा ना कि तिरंगे की मोहब्बत, तिरंगे का सम्मान, तिरंगे का मान मेरे दिल में छपा हुआ है। डीपी मुझे बदलने से कुछ नहीं होगा, मगर मोदी जी ने कहा 2 अगस्त से 15 अगस्त तक सब अपना डीपी बदलेंगे। अपना डीपी आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। भगवत जी ने अब तक क्यों नहीं बदला? 52 साल तक तो हमारा इसका अपमान किया सुधांशु जी, आपके लिए तिरंगा हमारा। अरे आरएसएस का डीपी आपको नजर आ रहा है, अपना भी पहले शुरुआत आप ही कर लीजिए, शुरुआत आप ही कर लीजिए। क्या बात है सुधांशु जी, बता देना कुछ तो है राज। अरे क्यों बद, अरे चलिए मुझे नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट आपके आरएसएस देगी चित्रा जी। जब 1947 देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, हमारे लोग तो जान दे रहे थे, शहीद हो रहे थे देश की आजादी के लिए, आरएसएस क्या कर रहा था सुधांशु जी? भगवे का आरोप लगा रहे हैं, खुद तो हरा रंग पहन के आप डीपी में दिखाई दे रहे हैं, तो पहले खुद को सही कीजिए फिर दूसरों पर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि मेरे सीने पे छपा हुआ है तिरंगा, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, और राष्ट्रीयता बीजेपी से सीखने की जरूरत तो कतई नहीं है। हाँ चित्रा जी, एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, ये मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता दें, मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी जो भारत में सेकुलरिज्म का एक बड़ा प्रतीक है, उसके नेता ये कह रहे हैं कि उनके दिल में तिरंगा छपा हुआ और इतना गहरा छपा है कि उसको लाके डीपी पे दिखाने की जरूरत नहीं है, मान लिया। मगर मैं यह बात विनम्रता के साथ पर चुनौती के साथ कहता हूं, ये 2014 से पहले का इनके किसी नेता का बयान दिखा दीजिए कि तिरंगा मेरी आन बान शान है, तिरंगा मेरे दिल में छपा है। शाहीन बाग में भी लोग तिरंगा लेके चले थे, पर लोगों ने उसको राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं माना था। हकीकत है कि आज इनको जो बोलना पड़ रहा है वो भी इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं, अन्यथा 2014 से पहले का अपनी पार्टी का एक वक्तव्य और एक वीडियो दिखा दीजिएगा कि तिरंगा मेरी आन बान शान है, तिरंगा मेरे दिल का अभिमान है, मेरे दिल में छपा हुआ है, मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा। वारिस पठान जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष वर्मा जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। मांगो क्षमा, चलो मैं बताता हूं, 2014 के पहले नहीं, 1947 से लेके जितनी भी मर्तबा 15 अगस्त 26 जनवरी आई है, सुधांशु त्रिवेदी जी हमने लहराया है और शान से लहराया है, आपकी तरह दिखावे के लिए नहीं लहराते, दिल से लहराते, दिल से देश से मोहब्बत है, सियासत नहीं करते। फिर आप गोल कर गए, बताइए अभी तक मोहन भगवत ने अपना डीपी चेंज क्यों नहीं किया? कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है, सुधांशु जी देश जानना चाहता है, क्या ये वही तो नहीं है कि तीन रंग का तिरंगा मेरे भारत महान का आपके लिए अशुभ है? क्या वही बात है? क्या क्या दूसरी बात हो सकती है? 52 साल तक आपने हमारे तिरंगे का अपमान किया और आज आप सिर्फ वारिस पठान को डीपी चेंज करके मेरा नेशनलिज्म, मेरा पेट्रोलिज्म चेक करो क्या कि डीपी से? अरे कुछ नहीं होगा, दिल में छपा हुआ है तिरंगे का। चलिए अभी अभी हम उसको चेक करते हैं। सुधांशु जी माफी मांगो, अभी जवाब देता हूं और चेक करते हैं। 2014 के पहले से भी हम तिरंगा लहराते थे और यकीन है मुझे हमारे आने वाली पीढ़ी इंशाअल्लाह ताला जोर शोर से तिरंगे को लहरा दीजिए ना, भारत महान के तिरंगे को लहरा, बयान दिखा दीजिए ना, उल्टे सीधे बयान तो खूब अवेलेबल है 14 से पहले, दिल से मोहब्बत करते हैं देश से। अरे आप सियासत बयान को भी ढूंढना पड़ेगा, मोबाइल पे निकाल देंगे, 50 बयान आपको भेज दूंगा मैं। आप बताओ ना, तारो ताजा 6:25 हो गया, अभी तक सर संचालक ने अपना डीपी क्यों नहीं बदला? चलिए नहीं मानते क्या? नहीं बनाना चाहते अमृत महोत्सव आजादी का 75वां सर संचालक बोलिए, जवाब दीजिए। लहराना चाहते हो नहीं लहराना चाहते हो बताइए। ये बात तो बिल्कुल वैसे ही होगी ना, आरएसएस भी कहेगी कि मुझे राष्ट्रीयता साबित करने क्या आप लोगों के बयान पर, तो ये बात तो दोनों लोगों पर समान रूप से लागू होती है। आप पहले चेंज कीजिए, दिखाइए राष्ट्रीयता आप, कम से कम प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसी पार्टी की तो है नहीं ना, वो देश के प्रधानमंत्री है और 75 साल का मतलब ये जश्न मना रहा है पूरा हिंदुस्तान।
चित्रा जी, बहुत सी चीजें दिल पे छपी हुई होती है, उनको दिखा के नुमाइश नहीं करना चाहता वारिस पठान। दिल पे छपा हुआ है तिरंगा, तो ये दिल तो पे छपा हुआ है, तो फिर खाली डीपी चेंज हो जाएगा ना? क्या फायदा होगा? तो फिर ये बात क्या फायदा होगा? भारत में दिल पे छपा हुआ है, जमीर पे तिरंगे की मोहब्बत लिखी हुई है, मगर ये लोग जो नाटक करते हैं ना कि तिरंगे पे भी अभी इनका मोनोपोली आ गया। अरे क्या सुधांशु जी, तिरंगा भारत का है, भाजपा का नहीं है। आप चाहोगे आपकी रैली में आ गया है तो नेशनलिस्ट हो गया, आपकी रैली में नहीं आया है तो एंटी नेशनल हो गया। नहीं आएंगे मगर तिरंगे का सम्मान आपसे ज्यादा करते हैं, ये मैं दावे के साथ छाती ठोक के बोलता हूँ। ठीक है सुधांशु जी, जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। आशुतोष जी मैं फौरन आऊंगी इसके बाद, तुरंत आपके पास। अभी बस एक लाइन, देखिए हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, तिरंगे के तीन रंग किसके प्रतीक है, हम सब ने स्कूल के पाठ्यक्रम से लेकर आज तक पढ़ा। भगवा रंग त्याग और बलिदान की परंपरा का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, और हरा रंग हरियाली और उर्वरा शक्ति यानी शस्य श्यामला हमारी जो धरती है उसका प्रतीक है। अब किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, सफेद रंग शांति का प्रतीक है या इंटरनेशनली है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है या प्राकृतिक है, ठीक है? तो भारत की त्याग और बलिदान की परंपरा का प्रतीक क्या है वारिस पठान जी? भगवा। और भगवा के प्रति कितना गहरा आरएसएस का क्या रोल था? तिरंगे के उस रंग भारत की आजादी में आरएसएस का क्या रोल जरा बता दीजिए दर्शकों। तीनों में है तो वो तो भगवा ही है ना। अब बोलिए भगवा के प्रति सम्मान है कि नहीं? हम कहते हैं हरियाली के हरे के प्रति भी सम्मान है, शांति के सफेद के प्रति भी सम्मान है। आप कहिए त्याग और बलिदान के भगवा के प्रति सम्मान है, बोलिए, दिख जाएगा कितना तिरंगा दिल में छपा है, बोलिए। अरे तो भाई बताइए, हम तो कह रहे हैं हरियाली के हरे रंग के लिए भी सम्मान है, शांति के सफेद रंग के लिए भी सम्मान है, श्वेत रंग के लिए, और आप बोलिए क्या और बलिदान की परंपरा के भगवा के लिए सम्मान है? तीनों का सम्मान है। अरे आपके लिए ही बिल था ये, आपकी ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा हुआ है सम्मान है कि नहीं? तिरंगा है हमारे, तिरंगे के अंदर ये बिल है, इनऑस्पिशियस है आपके लिए। चलिए हमारे हमारे तो पार्टी के झंडे में भी हरा रंग है, आपकी पार्टी के झंडे में है भगवा रंग, नहीं तो आप बताइए ना। अरे सुधांशु जी, मेरे देश के झंडे की बात कर रहा हूँ, मेरे तिरंगे की बात कर रहा हूँ, निकल नहीं रहा है। करार किया है नहीं, मैगजीन ने लिखा, कभी 14 दिन पहले बोले नहीं, पार्टी के नाम में ना भारतीय है ना राष्ट्रीय है, इविल बोला आपने। अच्छा आपकी पार्टी के नाम में भारत और राष्ट्र शब्द, हमारा तो कलर देश का कलर है, तीनों कलर। भैया आपके आपके पार्टी के नाम में ना भारत शब्द है ना राष्ट्र शब्द है, जवाब दे दीजिए। क्यों है भाई, क्यों नहीं ले रहा है 52 साल सुधांशु जी? अरे आप तो हिस्ट्री के इतने विद्वान आदमी हो, आप तो हिस्ट्री के इतने, अरे आप तो रजाकारों के प्रतिनिधि है भाई, जो हैदराबाद को भारत से अलग करना चाहते थे। 52 साल क्यों नहीं लहराया? 52 साल अभी उल्टा सीधा बोल चुके हैं। चलिए बताइए, देश जानना चाहता है। अरे भाई बता चुके हैं उसके बारे में, 52 साल लहरा ही नहीं सकते थे, बेवजह बार बार रट लगाए जा रहे हैं। नवीन तिलक केस से पहले कोई लहरा नहीं सकता था, और 26 जनवरी को बाकायदा हमारे यहाँ भगवा ध्वज के साथ साथ झंडा भी राष्ट्रीय लहराया जाता था शक्ति शाखाओं में। आप ना तो बोल नहीं पा रहे, अरे उसका जवाब दिया जा सकता भाई। अरे कहाँ लहराया? सिर्फ सरकारी संस्थाओं में लहराया जा सकता था, वो उसके बाद 2002 के बाद हुआ है। कहाँ लहराया? तो आरएसएस के एयरपोर्ट पर जवाब नहीं दे पाए, एक को चीज का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? आरएसएस के एयरपोर्ट पर क्यों नहीं? क्योंकि मोदी ने कहा आरएसएस हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस से हम है, तो सब अगर आरएसएस से मोदी जी है तो बताइए। अरे भाई आरएसएस किसी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनको पता नहीं क्या समझ, बताइए मोदी जी में जो लिखा है क्या ये बात सही है? अरे आप बताइए ना, तिरंगे के प्रति सम्मान है तो कहिए भगवान के प्रति सम्मान है, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। वारिस पठान कहिए भगवान के प्रति सम्मान है, बोलिए आरएसएस का विचारधारा अलग है, जवाब। वारिस पठान मैंने यहाँ बोला है, हरे के लिए भी सम्मान है, सफेद के लिए भी सम्मान है, भारत की त्याग बलिदान की परंपरा के प्रति भगवा के लिए सम्मान है, उस भगवा के लिए जो गुरु गोविंद सिंह के जो छत्रपति शिवाजी के ऊपर था, जो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर था, जिसको भगत सिंह थे, जो सम्राट विक्रमादित्य के ऊपर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य पे था, भगवान कृष्ण के ध्वज को लहरा रहा हूँ, भगवान राम के शान से लहरा रहा हूँ, सबसे बड़ा झंडा भाई सल्ला के अंदर मैं लहराने वाला हूँ 15 अगस्त के दिन चित्रा जी, फिर भागेंगे, सबसे बड़ा झंडा हमारे भाजपा के लोगों से बड़ा झंडा वारिस पठान लहराएगा 15 अगस्त के दिन। आपने नागपुर में 52 साल हमारा झंडा क्यों नहीं लहराया बताइए? मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लहराने वाला हूँ, भाजपा से बड़ा झंडा लहरा रहा हूँ, आइए 15 अगस्त अगर केसरिया रंग तिरंगे में है तो क्या दिक्कत है? मैं यही पूछ रहा हूँ वारिस पठान साहब, सुधांशु जी अगर वो कह रहे हैं कि आप इज्जत देंगे या नहीं देंगे भगवा रंग केसरिया रंग को, क्यों नहीं निकल रहा है आपके मुंह से वारिस पठान जी? क्या दिक्कत है? इसे क्यों दूं? इनसे नहीं सीखना चित्रा जी, इनसे नहीं सीखना, इनसे कुछ नहीं सीखना।
ये लोग तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, आजादी के लिए क्या किया देश के लिए बताइए। हमारे लोग तो आजादी के लिए जान दे रहे थे, शहीद हो रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे बताइए। सावरकर गोवलकर क्या कर रहे थे, भाजपा ब्रिटिशरों के तलवे चढ़ रहे थे। सुधांशु जी सच बात बोलो, सही बातें करें, माफीनामे में माफीनामे किसके चल रहे थे, माफीनामे कौन लिख रहा था, सावरकर लिख रहा था कि वारिस पठान लिख रहा था, क्या मेरे दादा लिख रहे थे बताइए, क्या मेरे दादा लिख रहे थे माफीनामा या सावरकर लिख रहे थे। और पार्टी का नाम मजलिसे इत्तेहाद समर्थन, अरे हम तो सबसे पहले वो है जिसने बगदादी को हेल ऑफ डॉग का सुधांशु झूठ बताइए, झूठ नहीं बोलने का सुधांशु जी, देश सुन रहा है। अच्छा हर आतंकवादी हैदराबाद का आपके बंदे सम्मान है कि नहीं, हम पहले वो थे जिसने बगदादी को हेल ऑफ डॉग का, निजाम हैदराबाद के लिए सम्मान है कि नहीं कर रहे। वारिस पठान जी, सुधांशु जी की बातों का जवाब दीजिए, निजाम हैदराबाद क्या थे, पूरा देश तो देख रहा है ना, वारिस पठान साहब पूरा देश देख रहा है ना, अगर तिरंगे में भगवा केसरिया सबसे ऊपर है, उसके सम्मान को सम्मान बोलने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इतना संकोच क्यों हो रहा है वारिस पठान जी आपको। सम्मान ही तो दे रहा हूँ मैं, अगर तिरंगे में है वो केसरिया रंग तो उसके बलिदान और त्याग को अगर गिना देंगे आप तो क्या दिक्कत है, मत दीजिए आप सुधांशु जी के सवालों का जवाब। अब अपने दिल से बताइए केसरिया को लेकर क्या भावना है आपकी, तिरंगे के केसरिया को लेकर क्या भावना है आपकी। मेरे बहुत अच्छी भावना है, मेरे तिरंगे का कलर है, मेरे तिरंगे का एक कलर है भगवा हरा सफेद भगवा, मेरे तिरंगे का कलर है, मेरे भारत मान देश के मेरे तिरंगे का कलर है, मुझे गर्व है इस बात का। मगर मैं इन लोगों को क्यों सफाई दूं, ये लोग कौन होते हैं मुझे सेक्युलरिज्म उसका सर्टिफिकेट देने वाले, नेशनलिज्म का, इनसे चाहिए क्या मेरे को। अरे जैसे आप मुझे बुरा ये लगता है ना, आजादी के लिए कुछ किया नहीं इन्होंने, सारे गवाही हमने सर्टिफिकेट बांटे, ये लोग माफी के साथ आपके पास आते हुए आशुतोष वर्मा जी, कल तो यहीं पर आपके एक प्रवक्ता ऐलान करके गए हैं कि बड़ा भव्य कार्यक्रम समाजवादी पार्टी भी करने जा रही है तिरंगे को लेकर, अगर तिरंगा यात्रा में विपक्षी दल भी आकर जोर शोर से शामिल होते हैं, कम से कम एक मुद्दे पर एक जैसी भावना तो रहे देश की, इसको भी लेकर इस तरह की पॉलिटिक्स क्यों आशुतोष जी। नहीं चित्रा जी देखिए, दो वाक्य हैं और मैं उसको लेकर चलूंगा और उसके बाद फिर आपकी बात का जवाब भी दूंगा। अगस्त 2013 में नागपुर में एक निचली अदालत ने वर्ष 2001 के एक मामले में 3 दोषी आरोपियों को बाइज्जत बरी किया था, जिनका नाम था बाबा मेड़े, रमेश कालंबे और दिलीप चटवानी। ये तीनों ही राष्ट्रप्रेमी युवा दल के नेता थे और उनके आरोप लगा था कि 26 जनवरी 2001 को नागपुर के रेशमी बाग स्थित आरएसएस मुख्यालय में घुसकर गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने का प्रयास किया था और यह आरोप लगाया गया था आरएसएस के वहां के ऑफिस के कार्यकर्ताओं द्वारा, जेल तक हुई थी। आरएसएस के दूसरे सरसंचालक गोवलकर जी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक आम सभा में संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ और सिर्फ भगवा ध्वज ही भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से प्रतिबिंबित करता है और हमें पूरा यकीन है कि पूरा देश भगवा ध्वज के सामने अपना सिर झुकाएगा। वो लोग आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने चले, ये अपने आप में सवाल है। और क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं वो क्या बता रहे थे। अभी सुधांशु जी बता रहे थे कि वो उस प्रोविंस के थे, सुधांशु जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के थे जिसको वॉइसरॉय लिंकन ने 1940 में स्टार्ट किया था, तो वो भी अंग्रेज थे। तो किस बातों पे आप बात कर रहे हैं, और देश को झंडा रहना है उस पर देशभक्ति क्या है। देखिए ये अभियानों के थ्रू जो आप काम करना चाह रहे हैं, जो वाकई देश की समस्याएं हैं, जो प्रधानमंत्री डी और पी की बात कर रहे हैं, डीपी वो देश की परेशानियों की बात क्यों नहीं करते हैं। ये हमारे पास एक इनका भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प से सिद्धि का वो है जो 2017 में कहा था और 2022 तक कहा था कि इस देश को नया भारत बनाना है, इस देश को नया भारत बनाना है और गरीबी से मुक्त करना है, धूल और गंदगी से मुक्त करना है, भ्रष्टाचार आतंकवाद से मुक्त करना है, जातिवाद से मुक्त करना है, सांप्रदायिकता से मुक्त करना है। क्या इस पर चर्चा होगी कभी, क्या इस पर चर्चा होगी, इसके लिए कभी डीपी चेंज होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी होगी। एक सेकंड सर, आशुतोष वर्मा जी वो तमाम मुद्दे तो हैं ही, चुनावों में आप लोग जाते हैं मुद्दे को लेकर, उसके बाद क्या होता है वो भी देश के सामने है, मगर ये तमाम मुद्दे अगर हैं तो इसकी आड़ में क्या तिरंगे को छोड़ दिया जाए, तिरंगे को लेकर क्या इस देश की कोई भावना नहीं है, तिरंगे पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं आशुतोष जी। नहीं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ये आप गलत बोल रही है। हाँ। तिरंगे पे सन 47 से लेके आज तक किसने चर्चा नहीं की, कौन है ऐसा है जो 1947 में से लेके आज तक तिरंगा नहीं फहराता है, और हम सब बैठे हुए 5-6 लोग में कौन तिरंगे का सम्मान नहीं करता है, दिल से भी करता है,
इस पे सवाल इसलिए आता है कि किसी न किसी तरीके से जो अपनी लगातार इनकी परेशानियां हैं उसको छुपाने के लिए एक नया अभियान, आज स्वच्छता अभियान कर दो, उसके क्या हालत है उसमें देख लीजिए। आज भारतीय, असल में भारतीय जनता पार्टी को अपनी राष्ट्रवादी बायोडाटा में फिलअप करना है कुछ ना कुछ, और जो जमीनी हकीकत है बेरोजगारी भुखमरी परेशानी उससे दूर हटा के एक नया अभियान, हर दूसरे दिन नया अभियान। अभियानों के थ्रू आप कितना पैसा क्या खर्च कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन लोगों को सोचने का मौका ही नहीं दो और ऐसे अभियान लेके आओ जिसका कोई विरोध ना कर पाए। ऐसे आप देश चलाते हैं। करते हैं क्या अभियान के जरिए, और हर घर तिरंगा भी क्या उसी का एक हिस्सा है? सुधांशु त्रिवेदी जी यह आरोप लगा रहे हैं, राजीव तुली जी उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी देखिए चित्रा जी सब कुछ बोल गए आशुतोष जी, अरे इन्हीं के तो सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने कहा मैं अपनी पार्टी का झंडा लगाऊंगा, मुल्क का झंडा है वो ऑफिस में रहेगा हमारे घर में क्यों रहेगा। और ये वो सांसद नहीं है, ये वो है जिसने कहा था तालिबान मेरे दिल में है। कार्रवाई की क्या? केटी हसन आपके सांसद, वो चार शादियां नहीं कर पाओगे अगर लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी गई। कार्रवाई की क्या? अब घर छोड़िए हम उस पर नहीं जाते, तो वो आप उनको कवर अप क्या कर रहे थे। और दूसरा आपने 2001 की बात कही कि संघ कार्यालय में ध्वज फहराने गए थे इसलिए सजा हो गई, सजा किसने की? संघ ने सजा की, बताइए कि कोर्ट ने सजा की? सजा नहीं, बाइज्जत बरी किया था कोर्ट ने। आप कह रहे हैं ना कि वो वहां तिरंगा फहराने गए थे उसको बाइज्जत बरी किया कोर्ट ने, वही तो सुनिए पूरी तरीके सुनिए। आप कह रहे उनको आरोपित किया था संघ के ऑफिस का। अच्छा सुनिए 2001 किसकी थी महाराष्ट्र में, सुनिए आशुतोष जी सुनिए, सुनिए 2001 किसकी थी महाराष्ट्र, किसने लगाया? अरे बोलिए ना कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं, बेवजह की बात सुनने को ले लगा है। करके उनकी बात सुन लीजिए, 2001 में महाराष्ट्र में नागपुर में किसकी सरकार थी? डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, अपने अपने टर्न पे बोलिए। सरकार होने से आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं होता है, ये कौन सी कार्रवाई हो गई कोर्ट से हुई 2001 में कांग्रेस की सरकार। भाई बात सुनिए आप, देखिए आपके टर्न में नहीं, 2001 वो वर्ष था जब पूरे देश और दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद हुआ है। आपको पता है कश्मीर की असेंबली पे हमला, भारत की संसद पे हमला, 9/11 सब 2001 में हुआ है, तो उस समय बहुत सारा संदेह था और सरकार कांग्रेस की थी नागपुर में। अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया इसलिए वो मत करें। तीसरी बात आपने कहा कि हमने कहा कि भगवा रंग ही भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, तो मान्यवर ये बताइए तीनों रंगों में भारतीय संस्कृति का प्रतीक कौन है? हरा रंग तो हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक तो सिर्फ भगवा ही है इन तीनों में, यही तो हमको पढ़ाया गया है बचपन से आज तक, इसमें कौन सी गलत बात है? मगर आपको उस पे लेके गलत नजर आता है क्योंकि आपको भगवा में आतंकवाद नजर आता है, सेफरन टेरर, भगवा आतंकवाद, भगवा करण, भगवा भगवा शब्द को किताबों में कोई इतिहास में चेंज हो जाए भगवा इतिहास जाने क्या क्या बोलकर भारतीय संस्कृति के प्रतीक रंग को जो तिरंगे में एक, मैं फिर कह रहा हूं भारतीय परंपरा का प्रतीक एक में वो भगवा रंग है, सफेद रंग शांति का प्रतीक, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, मगर भारतीय परंपरा के प्रति कितनी घृणा है ये आपने तिरंगे के उस सबसे ऊपर वाले रंग के साथ जो करके दिखाया है। कांग्रेस पार्टी पर आपने निशाना साधा है। मैं संजय जी आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से राजीव तुली जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, एक सवाल का जवाब उनसे। राजीव तुली जी मुझे लगता है कि सबसे सटीक जवाब तो यही होता, ये जो आरोप आरएसएस के ऊपर लग रहे हैं कि भगवा झंडा क्यों और तिरंगा क्यों नहीं, उसका जवाब आप लोग दे देते अपने अपने प्रोफाइल पिक्चर बदलकर। अगर उस तरह का जवाब नहीं आ रहा है तो बार बार विपक्ष आप लोगों से यह सवाल पूछेगा ही। हाँ उत्तर देंगे हम, उसमें यह भी उत्तर देंगे कि 1998 की जो कारगिल की लड़ाई थी उसको बीजेपी का युद्ध किसने कहा था, मगर मैं आपको थोड़ा और पीछे लेकर चला जाता हूं। हम आपको इसका भी जवाब देंगे कि 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी क्या कर रहे थे, 15 अगस्त 1947 को रजाकार क्या कर रहे थे, और 15 अगस्त 1947 को संघ के जो सत्संग चालक गोलवंकर जी थे वो पंजाब और सिंध में किस प्रकार वहां से हिंदू और सिखों को बचा करके निकाल के लाने के लिए प्रयास कर रहे थे, और उसमें उसमें उनको बड़ी संख्या में यहाँ ला करके उनका रिहेबिलिटेशन करने की योजना बना रहे थे। ये सब नेता और ओबीसी साहब की जो पार्टी है ये तो रावलपिंडी और लाहौर से लेकर के हैदराबाद की सड़क मांग रही थी, जिस सड़क के दोनों ओर कुछ मील की पट्टी ऐसी चाहिए जिस पर कोई नहीं जा सकेगा और जिस पर मुस्लिम बस्तियां बसे, और ये आज झंडे की बात कर रहे हैं, ये तिरंगे की बात कर रहे हैं, ठोक के कह रहे हैं कि हमारे दिल में तिरंगा तिरंगा है, तो इससे अच्छे दिन और नहीं हो सकते। परंतु मेरा ये कहना है, देखिए
1947 तक का जो समय था वो एकदम मंथन का समय था, देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बहुत सारी चीजें चल रही थी, उसमें से एक ये भी था कि जो झंडा कमेटी देश का ध्वज तय करने के लिए बनी थी, जिसमें पट्टा भी सीतारमैया, सरदार पटेल, नेहरू जी और सब वक्त हमें इतने की इजाजत दे रहा है, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, लेकिन कम से कम जब देश की बात हो, जब तिरंगे की बात हो, तो उस वक्त सभी के सुर एक जैसे होने चाहिए, लेकिन सियासत है तिरंगे के मुद्दे पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये सियासत कहां पर जाकर ठहरेगी एक ऐसे वक्त में जब हर घर तिरंगा की मुहिम चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोशिश इस बात की भी है कि 75 साल पूरे होने का जश्न धूमधाम से मनाया जाए, लेकिन सियासत इस मुद्दे को लेकर भी जारी है। तिरंगा बहाना सियासत चमकाना, इसी मुद्दे पर हल्ला बोल में हम चर्चा कर रहे थे, आपने सुना पक्ष और विपक्ष के लोगों को, लेकिन देश का ये दुर्भाग्य है जब सभी को देशभक्ति के और तिरंगे के रंग में एक साथ नजर आना चाहिए, उस मुद्दे पर भी इस देश में हो रही है सियासत। ये कहां पर जाकर थमेगी, रुकेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ हल्ला बोल में अभी के लिए बस इतना ही।